अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको तकरीबन 4 से 5 साल की बच्ची की फ्रॉक सिखाऊंगी, शॉर्ट पेटी के साथ और फ्रिल के साथ। इसके लिए हम सबसे पहले जो है इसकी लेंथ लेंगे दरमियान वाले घेर की, तकरीबन 15 इंचज़ हम ले लेते हैं। इसकी टोटल लेंथ फ्रॉक की मैं तकरीबन 21 इंचज़ जो है वो रेडी करूँगी। 15 इंचज़ हम इसकी घेर की लेंथ ले लेते हैं इधर से भी, और इसकी बर्थ हम ले लेते हैं, ये है 16 इंचज़ है, ये रख लेते हैं क्योंकि नीचे फ्रिल भी आनी है, उसमें भी चुनट आने हैं तो ज़्यादा ये अजीब ना लगे। यहाँ से हमने 15 ले लिए हैं, इधर से भी हम 15 इंचज़ इसको मार्क कर लेंगे, कट कर लेते हैं लगाकर। बहुत ही खूबसूरत स्टाइल है, आप देखिएगा जब रेडी हो जाए, और बहुत इजीली ये रेडी होने वाला है। ये ब्रांडेड स्टाइल है, इंजन का स्टाइल है जो मैं आपको बता रही हूँ, ये आप जाके लिंक में चेक कर सकते हैं ये घेर। उसके बाद हम इसकी फ्रिल ले लेते हैं नीचे, जो हमने फ्रिल लगानी है वो, चूंकि हमने ये जो हमने घेर रखा है इससे हम थोड़ा ज़्यादा लेंगे तब, क्योंकि नीचे चुनट भी लगाने हैं इधर, तो उसके लिए ये इतना काफ़ी नहीं है, इससे ज़्यादा हम लेंगे तकरीबन। ये इसकी पहले हम वर्थ चेक कर लेते हैं, लेंथ 3 इंचज़ मैं लूँगी, 3.5 रख लेते हैं, इधर से भी फोल्ड करना है और इस साइड से भी फोल्ड करना है, 3.5 हम ले लेते हैं। इसको हम ऐसे डबल कर लेंगे 3.5, इधर से भी हम चेक कर लेते हैं, ये 3.5 ही है जी, ये 3.5 है, ये एंड तक हम चेक कर लेते हैं। आप चाहें तो ये पूरी भी लगा सकते हैं जितने ज़्यादा चुनट, लेकिन बहुत ज़्यादा चुनट अच्छे नहीं लगेंगे, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है, नॉर्मल ही हर चीज़ अच्छी लगती है। ये हम ये जो हमने रखा है इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख लेते हैं, तकरीबन 4 इंचज़ मैंने यहाँ से ले लिया है और 4 इंचज़ ही मैंने यहाँ से ले लिया है, इतना हम इसके चुनट रखने के लिए फ्रिल जो है कट कर लेते हैं। हम साइड पे डालें ये ना कट जाए, ये डबल है आगे और पीछे के लिए, इसको हम यहाँ से भी काटेंगे। ये इसकी फ्रिल हो गई है, अब हम इसकी चेस्ट देख लेते हैं। अब हम इसकी चेस्ट काटते हैं, चेस्ट के लिए ये मेरे पास कपड़ा बचा है, हम इसका अंदाज़ा लगा लेते हैं। अगर हम इधर से काटते हैं तो फिर इसके स्लीव्स शॉर्ट बनेंगे, मैं फुल स्लीव्स इसके बनाना चाहती हूँ, पहले हम इधर से स्लीव्स ले लेते हैं, इसके स्लीव्स कट कर लेते हैं। स्लीव्स की लेंथ तकरीबन है 12 इंचज़, बस ये थोड़े से ज़्यादा हैं 12 इंचज़ से, ये मैं सारे ही रख रही हूँ, और इसकी वर्थ है ये 5.5, ठीक है, ये इस एज के बच्चे के लिए ये मैं सारे ही रख रही हूँ। इसको हम शोल्डर्स को इस साइड से थोड़ा थोड़ा इस तरह काटते हैं, हम इसका फ्रंट देख लेते हैं, फ्रंट हम तकरीबन रखेंगे इसका 4 इंचज़, 4.5 पे हम निशान लगा लेते हैं, आप चाहें तो इसको खुले भी रख सकते हैं लेकिन 4.5 भी काफ़ी हैं। अब हमने स्लीव्स इसके कट कर लिए, फुल स्लीव्स बच्चों के इसलिए भी ठीक रहते हैं कि आप बच्चों को बाहर भी कपड़े पहना के जा सकते हैं, जैसे मच्छरों का डेंगू वगैरह का इशू होता है तो उसके लिए आपको अलग कपड़े पहना के बच्चों को बाहर नहीं ले जाना पड़ेगा, तो मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों के फुल स्लीव्स भी ही रखूँ। अब हम इसकी चेस्ट काटेंगे, चेस्ट के लिए इस साइड से कपड़ा जो है वो कम है, ये हम ऐसे बना लेते हैं, कोई मसला नहीं है, साइड से आपका फैब्रिक पूरा हो रहा हो आप उस साइड से चेस्ट बना सकते हैं, ये शॉर्ट है इसलिए हम इस तरफ से भी बना सकते हैं। तकरीबन 4.5 इंचज़ है ये इसकी चेस्ट की लेंथ,
और इसकी वेथ जो है तकरीबन हम रखेंगे ये 15 इंचेस तक इसकी वेथ रखेंगे। अब हम इसके शोल्डर्स कट कर लेते हैं, इसको डबल करके शोल्डर्स कट कर लेते हैं। इसके शोल्डर्स मैं ऊपर से 9.5 रखूंगी, इतेज के बच्चे के लिए 9.5, इसको हम डबल करके निशान लगा लेते हैं इधर से 9.5 का। इधर से सिलाई के लिए हम 1/2 इंच जो है मार्जिन छोड़ेंगे और 5 इंच इसकी लेंथ है, ये पूरा ही कट हो जाएगा तकरीबन यहाँ तक। बाद में हम इसकी चेस्ट अटैच करके देख लेंगे, अगर हमारे शोल्डर्स छोटे होंगे तो हम मज़ीद उसको कटिंग कर लेंगे चेस्ट अटैच करने के बाद, क्योंकि इधर से थोड़ी सी चेस्ट हम राउंड शेप में करेंगे, ये चेस्ट थोड़ी सी इधर से राउंड होनी है, तो ये शोल्डर हमारे छोटे हो गए हैं, तो जब हम इसके साथ चेस्ट अटैच करेंगे फिर हम दोबारा कर लेते हैं कटिंग इसकी शोल्डर्स की। इसको मैं आगे से पट्टी बनाऊंगी इसकी गोल नेक बनाकर, तो मैं मोस्टली अपनी पिछली वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ इसको गले पे पाइपिंग लगाना और इसकी पट्टी बनाना। और अगर आपने आपको नहीं आती ये पट्टी बनाना तो आप मुझे बताएं, आप पिछली वीडियोस में जाकर हमारे चेक कर सकते हैं। इस स्टाइल के लिए मैंने ये लेस ली है, ये इसके साथ अटैच करूँगी। इसके लिए हम सबसे पहले इसकी जो चेस्ट है ये मैंने राउंड शेप में यहाँ से कट की थी, इसको हम इसके साथ अटैच करेंगे, ये ऐसे हम इसके अंदर लगाएंगे। तो इसके लिए हम ये इसकी फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है, फ्रंट साइड पे हम इसकी जो है बैक साइड ऊपर यूँ रखेंगे, ये इसका सीधा है लेस का, तो यूँ हम उल्टी रखेंगे ऐसे और यहाँ से सिलाई लगाते जाएंगे बिल्कुल इसके साथ साथ। ये हमने बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाते जाना है, ऐसे ही हमने ये सारी लगा लेनी है सिलाई दोनों साइड्स पे, फ्रंट और बैक दोनों पे हमने ऐसे ही चेस्ट पे सिलाई लगा लेनी है। ये देखें ये फुल अटैच हो चुकी है, इसको हम ऐसे सीधा करेंगे तो ये ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही हमने बैक पे भी अटैच करनी है। अब हम इसको ऐसे करके इधर सिलाई लगा लेते हैं एक, इसके बाद हम इसकी जो चेस्ट हमने नीचे काटी थी उसमें चुनट लगाएंगे। अब ये इसकी चेस्ट है जो हमने काटी थी, इसके लिए इसमें हमने इधर सिलाई लगाकर सिंपल उसकी सिलाई को खींच के चुनट लगा लेते हैं। इसकी मैं आपको मोस्टली लास्ट वीडियोस में आपको ये चुनट लगाना सिखा चुकी हूँ। इसके लिए आपने सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, नीचे लाइक के बटन को भी दबाना है और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए अगर हमारी वीडियोज़ आपको पसंद आए तो। आपने आपको ये मैंने सिखा चुकी हूँ, आप उनमें देख सकते हैं इसको चुनट लगाना, हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए अब मैं ये आपको चुनट अटैच करना सिखाती हूँ। ये मैंने डाल लिए हैं, लेकिन इससे पहले आप अपने चुनट लगा कर इसके साथ मैयर कर लें ताकि आपको बाद में अटैच करते वक्त कोई परेशानी ना हो। ये अगर आपके बिल्कुल ठीक हैं तो फिर आप इसको अटैच कर दें, अगर कम या ज़्यादा हैं तो फिर आप चुनट्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको बिल्कुल ऐसे ही अटैच करना है जैसे हमने इसकी ये चेस्ट को लेस के साथ अटैच किया है। ये आप जो इसकी घेर वाली साइड है ये नीचे रखेंगे और ये लेस वाली ऊपर रखेंगे और बिल्कुल साथ साथ आप सिलाई लगाते जाएंगे ऐसे ही जैसे हमने चेस्ट को अटैच किया था। ये देखें ये इसकी चेस्ट अटैच हो चुकी है, ऐसे ही अब हम सिलाई लगा देते हैं। इस साइड पे मैंने सिलाई इसलिए लगाई थी, इधर भी लगा रही हूँ ताकि वॉश करते वक्त ये हमारी सिलाई ऐसे ना आए और ये जो है हमारे
पोर्स बंद हो जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे इसके ऊपर हम सिलाई लगा देते हैं। ऐसे ही हमने बैक से भी चेस्ट और इसकी ये जो है हमने अटैच करनी है। ये इसका फ्रंट और बैक अटैच हो चुका है। अब हम इसके नीचे फ्रिल अटैच करते हैं। ये जो हमने फ्रिल काटी थी 3 इंचेस की, इसके लिए भी हमने सेम ऐसे ही करना है। पहले हम लेस लगाएंगे इसके ऊपर, ये बैक साइड यूँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे बैक इसकी ऊपर रखेंगे लेस की, और शर्ट के फ्रंट साइड ऊपर रखेंगे। इसको हम ऐसे ही लगा देंगे, इसके बाद हम फ्रिल लगाएंगे। ये इसके नीचे भी लेस अटैच हो गई है। अब हम इसकी फ्रिल जो है इसको चुनट लगा कर, जैसे हमने इसकी पेटी में लगाए हैं, इसको वैसे ही इसके साथ अटैच कर देंगे। चुनट लगाने के लिए आप मोटा बखा करें, करके इधर सिलाई लगाएं और इसको हल्का हल्का सा खींच दें एक साइड के धागे को, तो चुनट आ जाएंगे। ये दोनों साइड से हमारी फ्रिल अटैच हो चुकी है। ये देखें, ये ऊपर ही हमारी चेस्ट है और ये फ्रिल है। अब हम इसको बारीक बारीक नीचे से फ्रिल को फोल्ड करेंगे ऐसे करके, ऐसे। आप चाहें तो पहले भी फोल्ड कर सकते हैं और अटैच करने के बाद भी फोल्ड कर सकते हैं। इसकी लेंथ मुझे थोड़ी अपने साइज से ज़्यादा लग रही है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर नीचे फ्रिल से थोड़ा सा ऊपर जो हमने लेस लगाई है, यहाँ पर हम 2 प्लेट डाल लेते हैं। स्टाइलिश भी लगते हैं, और अब जब चाहें इसको खोल के अपनी लेंथ इंक्रीज भी कर सकते हैं। इसके लिए हम तकरीबन 1 इंच का मार्जिन छोड़ के 1/2 इंच से भी कम, बल्कि 2 सेंटीमीटर तक हमने इसमें प्लेट डालना है। ये जो एक पैर है इसका मशीन का, इसका मैं डिस्टेंस देती जा रही हूँ। इसके लिए आप सिंपल सिलाई लगा लेंगे तो ये प्लेट आ जाएगा। दोनों साइड से फ्रंट और बैक से मैं ऐसे ही लगाऊंगी। ये हमने एक प्लेट लगा लिया है, दूसरा हम 1 इंच के डिस्टेंस से 2 सेंटीमीटर मज़ीद कपड़ा छोड़कर हम फोल्ड करके यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि इतना हमारा प्लेट के अंदर भी आएगा। ये हम दूसरा प्लेट लगा लें, ऐसे हम 3 प्लेट लगा लेंगे। अब हम तीसरा प्लेट भी इतने ही डिस्टेंस से फोल्ड करके लगा लेंगे। 3 प्लेट लगाएंगे हम इसमें नीचे। ये मैंने इसके स्लीव्स के आगे भी ऐसे ही फ्रिल अटैच कर दी है, जैसे हमने फ्रॉक के नीचे की थी। ये तकरीबन 2 इंचेस की फ्रिल है मैंने नीचे जो लगाई है, देखें। तो स्लीव्स की टोटल लेंथ रखी थी मैंने, उसी में से कट करके ये लगाया, वरना ये लेंथ इसकी ज़्यादा हो जानी थी। उसके साथ मैंने ये जोड़ लगा दिया था, तो क्योंकि इसमें चुनट लगाने थे हमने, तो इसके लिए ये थोड़ा होना था कपड़ा, तो इसके लिए पीस बच गया था, तो मैंने ये साथ अटैच करके इसके अंदर चुनट लगा दी। अब हम इसके नेक को देखते हैं। अब हम इसकी नेक कट करेंगे, फ्रंट नेक। इसके लिए हमने ये मैंने कट किया है, तकरीबन 4 इंचेस इसकी चौड़ाई मैंने यहाँ से ली है। ये देखिए यहाँ पे 2 है, तो इसको डबल करेंगे, 2 उधर से, 4 इंचेस यहाँ से लिए हैं, और ये मैंने 3 इंचेस यहाँ से डीप कट किया है। इसको राउंड यहाँ से चौक से करके गोल आपने कट कर लेना है। या मैंने पट्टी वाला इसका गला बनाना है। ये 6 इंचेस की मैंने पट्टी जो है वो बनाई है, और हम 6 इंचेस की इसकी लेंथ है, तो हम 5 इंचेस तक कट का निशान लगाएंगे, 5 इंचेस तक, यहाँ तक, ये 5 इंचेस तक हम निशान लगा लेते हैं। इसके लिए हम जिस साइड से हमने लेफ्ट साइड पे पट्टी अटैच करनी होती है, तो बिल्कुल जो 1 सेंटीमीटर या इससे भी थोड़ा सा कम, बिल्कुल हल्का सा हमने इस साइड पे कटिंग करनी होती है, बिल्कुल मिड में नहीं। ये देखिए प्रेस से हमने मिड का निशान यहाँ पे लगाया है, तो यहाँ से हम कट करेंगे।
5 इंचेस तक, ये और इधर से हम ऐसे और सिर्फ कट का निशान लगा लेंगे। ये हम पट्टी अटैच करेंगे इसकी, ऐसे ही इसकी बैक नेक भी हम तकरीबन ये 4 इंच तक काटेंगे, यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। और इसको हमने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा करना है अंदर, तकरीबन 1 इंच तक, ये इससे भी थोड़ा सा कम। राउंड शेप में आप इसको भी कट करेंगे। ये इसकी नेक रेडी हो चुकी है, हमने पट्टी बनाई है इसकी। ये ऐसे पट्टी बनाने का मेथड मैं लास्ट वीडियो में आपको बड़े डिटेल से बता चुकी हूँ, इसके लिए आप लिंक में जाकर देख सकते हैं। और अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, और नीचे लाइक के बटन को भी दबाना है और बेल आइकॉन को दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। अब ये इसकी नेक रेडी हो चुकी है, अब ये हमने इसके शोल्डर्स देखने हैं। हमने शोल्डर्स जो इसके छोटे हो गए थे इसकी, क्योंकि हमने राउंड शेप में इसकी चेस्ट को कट किया था। अब हम देखते हैं, 5 इंचेस इनकी थी लेंथ यहाँ से अब यहाँ तक, ये इसकी चेस्ट भी कटेगी अब इसके साथ। यहाँ 5 इंचेस तक हम निशान लगा लेते हैं इसके शोल्डर्स का दोनों साइड्स पे, और हल्का हल्का यहाँ से कट कर लें। देखिए कि यहाँ से ऊपर से मेजरमेंट शोल्डर्स की करनी होती है, बाकी आपने यहाँ से इसके हिसाब से कट करना होता है। ये हमारे शोल्डर्स, दोनों शोल्डर्स हैं। फ्रंट, ये बैक वाला शोल्डर है, फ्रंट वाले शोल्डर को हमने हल्का हल्का डीप कट करना होता है। ये दोनों हम अलग कर लेंगे, इन दोनों को हम अलग कर लेंगे, अलग करके बिल्कुल। हम इसके शोल्डर्स को अटैच करके इसकी फिटिंग की सिलाइयाँ लगा देंगे।